బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. విద్యుత్ పై చర్చ నుంచి పూర్తిగా సభ సమరం మొత్తం మారిపోయిందని చెప్పాలి. కాంగ్రెస్ వర్సెస్ ఎంఐఎం, రేవంత్ రెడ్డి వర్సెస్ అక్బరుద్దీన్ గా మారింది చర్చ కాస్త. ఆయా పార్టీలో రేవంత్ చరిత్రను తిరగొడారు అక్బరుద్దీన్. అయితే ఎంఐఎం చేసిన దోస్తీలు ప్రభుత్వాల కూల్చివేతను తెరపైకి తీసుకొచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సీఎం పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయొద్దని అక్బర్ కి బట్టి వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే సభను తప్పుదారి పట్టించొద్దని అక్బర్ కి శ్రీధర్ బాబు ఘాటు హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ఎంఐఎం కాంగ్రెస్ మధ్య ఒక రేంజ్ లో మాటల యుద్ధం నడుస్తోంది. आप अगर समझते हैं कि आपको इख्तदार मिल गया 10 बरस के बाद तो आप हमको डराएंगे, हम डरेंगे, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है. हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे. किरण कुमार रेड्डी ने जेल में डाला, हम जेल में रहे. हमको भेज दिया शहर से, हम उस वक्त भी नहीं डरे. अरे हम डरने घबराने वाले नहीं है. मैं 5 मर्तबा जेल में जाके आ चुका हूं, और भी जाना है तो जाएंगे. हमको डिस्टर्ब करेंगे नहीं. मुसलमानों की आवाज तेलंगाना में थी, है और रहेगी. इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता. अकबरुद्दीन ओवैसी जी को हम प्रोटेम स्पीकर बनाए. हम जितना उनको, वो पार्टी को, माइनॉरिटी से को जितना मौका देना है हम कोशिश किए. डॉक्टर कवमपल्ली सत्यनारायण को भी लोग चुन के यहाँ भेजे. किसी को बेइज्जती करने से अपना इज्जत बढ़ता बोल के कोई समझे तो बहुत अफसोस की बात है. ये ऐसा चर्चा यहाँ पर, हम लोग सब दोस्त है, कलीग मेंबर्स है. एक को दूसरे अगर हम इज्जत दिए तो ही लोगों के सामने अपना इज्जत बढ़ेंगे, अपना एक्सपीरियंस के लिए भी एक शोभा देंगे. अकबरुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी के नेता है. ये पूरा मुस्लिम का जिम्मेदारी ले सो वाला नहीं है. ये आम जनता हिंदूज पे उनको वोट डाले. जहां पर चंद्रायन गुट्टा में पूरा मुसलमान वोटों से चुन के आए. क्या ओल्ड सिटी में जितने भी 7 एमएलए जीत कर आए, हिंदू का कोई किसी का वोट नहीं मिला एमआईएम को. ये बात कहना चाहता है? ये बात तो ठीक नहीं, अफसोस की बात है. सब लोग आपको वोट दे के आपको चुना के इधर भी जाए. आप बोल रहे मुसलमान के आवाज दबाने के लिए कोशिश कर रहे. भाई आपके मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव जैसा नहीं देख रहे. ये तेलंगाना 4 करोड़ जनता के तरफ से आप चुन के आए. 4 करोड़ जनता के लिए आप रिप्रेजेंट करो.